इलेवेंथ क्वेश्चन है, 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 6. सिमिलरली अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 6. कैन वी से दैट द नंबर मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय इट्स, इनके जो प्रोडक्ट है 24, उससे ये पॉसिबल है कि ये नंबर जो है डिविजिबल होगा. If not, give an example to justify your answer. Question है कि 18 जो है divisible है both 2 and 3 से, और ये इनका जो product है दोनों का 6 आया, तो 6 से भी 18 जो है divisible होता है. Similarly, यहाँ पर हमारे पास number दिए हैं, हम कोई भी number लें तो वो जो है दोनों से 4 और 6 से divisible होगा. और क्या हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा 24, जो नंबर होगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट से डिविजिबल होगा? अगर नहीं तो हमें ये अपना ये आंसर जो है जस्टिफाई करना होगा. तो यहाँ पे हमने नंबर लिया 12 इज डिविजिबल बाय 4 एंड 12 इज डिविजिबल बाय 6, बट 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 24. क्यों? क्योंकि ये 24 से डिविजिबल नहीं होगा. तो हमसे पूछा गया है क्या ये जरूरी है, तो यहाँ पर आंसर है इट इज नॉट नेसेसरी. कि अगर किन्हीं दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है उनसे जो नंबर, कोई भी नंबर, यहाँ पे तो हमने 12 लिया है, कोई भी नंबर और भी नंबर ले सकते हैं, तो वो इनके प्रोडक्ट से डिविजिबल होगा, तो ये जरूरी नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12. आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी? क्वेश्चन है कि मैं सबसे छोटा नंबर हूँ और मेरे 4 अलग अलग प्राइम फैक्टर हैं, क्या आप मुझे ढूंढ सकते हो, फाइंड कर सकते हो? तो स्मॉलेस्ट 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स आर 2, 3, 5 और 7. तो इन सभी को हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आया 210. तो ये नंबर जो है हमारा, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास, अगर हम इसके प्राइम फैक्टर बनाते हैं तो हमारे पास आएगा 2, 3, 5 और 7. तो ये है हमारा 12 क्वेश्चन. ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई. थैंक यू.